हेलो फ्रेंड्स दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने एलसीएम पढ़ा था। आज हम बात करेंगे एससीएफ की। एससीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आज हम आपको दो मेथड से एससीएफ निकालना बताएंगे। पहला मेथड है डिवाइड का और दूसरा मेथड है फैक्टर का। सबसे पहले हम आपको डिवाइड वाले मेथड से समझाएंगे कि एससीएफ हम कैसे निकालते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया 3 और 28 और हमसे पूछा गया है कि हमें इसका एससीएफ बताना है, तो हम डिवाइड वाले मेथड से कैसे निकालेंगे? हम 3 का डिवाइड देंगे 28 में। हमेशा छोटी संख्या का भाग देते हैं बड़ी संख्या में, तो 3 का दिया तो 3 ने 27। हमारे पास शेष फल आया 1। इसमें हम क्या करते हैं, शेष फल से दोबारा डिवाइड देते हैं जिस संख्या से हमने भाग दिया है। हम तब तक भाग देते हैं जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। अब हम भाग देंगे तो यहाँ पे आ गया 0, तो इसमें हमारा एससीएफ हो गया 1। अब हम लेते हैं एक और एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कि एससीएफ हम कैसे निकालते हैं। हमने एक एग्जांपल ले लिया 42 और 60 का। हमेशा छोटी संख्या का भाग देंगे बड़ी संख्या में, 42 का भाग दिया। अगर हम देखेंगे दो बार तो दो बार ज्यादा हो जाएगा 42 का, हम एक बार भाग देंगे तो कितना आएगा हमारे पास? यहाँ से एक कैरी आया, 10 में से 2 गया 8, यहाँ कितना बचा 5, 5 में से 4 गया 1, 18। अब हम इस 18, ये जो हमारा शेषफल आया था, इसका भाग हम फिर देंगे इस वाली संख्या में जिससे हमने पहले भाग दिया था, तो कितना आया 42। दो बार भाग देंगे क्योंकि 3 बार ज्यादा हो जाएगा। हमारे पास कितना आया शेषफल 6। अब हम इस 6 का भाग फिर देंगे 18 में, क्योंकि हमें भाग तब तक देना है जब तक हमारा शेषफल 0 ना आ जाए। तो हमारे पास यहाँ पे हमारे आंसर आ गया 0, तो इसका एससीएफ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब हम आपको बता दें फैक्टर से निकालना। अब जैसे हम यही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो हमारे पास एग्जाम्पल है अभी 42 और 60। अब पहली बात आती कि हम किसी भी संख्या का फैक्टर कैसे निकालते हैं। फैक्टर निकालने के लिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास 42 है, हमने 42 के फैक्टर में कैसे निकालने? सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या लेते हैं, छोटे से स्टार्ट करते हैं, जैसे 2 से किया, 2 से 42 कट जाएगा। ऐसी संख्या लेते हैं जिससे ये वाला नंबर कटना भी चाहिए, तो 2 लिया तो हमारे पास कितना आ गया, डिवाइड किया 2 का 4 में तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब आया 21, अब 2 से 21 जाएगा नहीं, हम देखेंगे 3 से, तो 3 7 21। अब 3 के बाद देखिए 4, 4 से 7 नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से, तो फिर हम डायरेक्ट 7 से। तो हमारे पास 42 के क्या फैक्टर आ गए, हमारे पास 42 के फैक्टर आ गए 2, 3 और 7। इसी तरीके से हम 60 के फैक्टर भी निकाल लेंगे। साठ के फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हम फिर छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं, तो हमने 2 से डिवाइड किया, 30 आया, फिर हमने 2 से किया, 15 आया। अब हम 3 से करेंगे तो 5 आएगा, फिर 5 से करेंगे तब 1। तब तक निकालते हैं फैक्टर भी जब तक नीचे 1 ना आ जाए। अब 60 के हमारे पास फैक्टर क्या आ गए, 2, 2, 3, 5। अब एससीएफ में क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम देखते हैं। तो अगर कॉमन फैक्टर्स की बात की जाए तो यहाँ पे हमारे पास 2 कॉमन फैक्टर आ रहा है, 1 2 आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, तो मतलब 1 ये कॉमन फैक्टर हो गया। इसमें 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, तो 1 ये कॉमन फैक्टर हो गया। 7 इसमें है लेकिन इसमें 7 नहीं आ रहा, तो 7 नहीं आएगा, तो हमारे पास एससीएफ कितना आ जाएगा। जो भी कॉमन फैक्टर होते हैं हम उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, यानी कि कितना आ गया हमारे पास, 6। अब ऐसे ही हमसे किसी किसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, एलसीएम और एससीएफ हमें दोनों बताने रहते हैं, तो हम दो दो बार मेहनत करने से अच्छा है कि हम एक ही बार बता दें कि एससीएफ और एलसीएम हम एक ही क्वेश्चन में एक ही मेथड से कैसे निकाल सकते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे फैक्टर कर लिए, अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास कॉमन फैक्टर थे इनको एक एक बार लिख लीजिए। जैसे 2 और 3 था, जैसे हमने एससीएफ में निकाला था, इसी का अगर मैं एलसीएम निकाल रहा हूँ तो हम पहले 2 को रख लेंगे, फिर हम 3 को रख लेंगे। तो कॉमन फैक्टर्स को हमने एक एक बार रख लिया, हमारे पास बचे कौन कौन से, 7, 2 और 5।
5, तो एम एलसीएम में इन बचे हुए नंबर्स को भी लिख लेते हैं, तो 7, 2 और 5। अब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी हमारा एलसीएम आएगा, जो भी इनको मल्टीप्लाई करने में जो भी हमारा आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, 42 और 60 का एलसीएम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमें अगर एक ही क्वेश्चन में एलसीएम और एससीएफ दोनों पूछे गए हैं तो हम दो दो मेथड से करने की बजाय एक ही मेथड से एलसीएम और एससीएफ दोनों निकाल सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हम आपको ऐसे ही सारे टॉपिक्स बताते रहेंगे। इसके बाद हम आपको बहुत ज़रूरी भिन्न के क्वेश्चन कराएंगे जिससे पेपर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भिन्न के मिलते हैं और आप उनको पूरे अच्छे से हल कर पाएँ। थैंक यू।